अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। मेरा नाम है अली। मैं मोहम्मद से। और मैं हूं ज़फर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं एक निकाह ऐसा पाकिस्तान वेडिंग फनी मोमेंट्स। तो देखते हैं भाई वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। और हेलो, बात करते हैं विश्व के एक ऐसे इकलौते मुल्क के बारे में जहां शादियों के नाम पर वत्यापा सबसे ज्यादा चरण पर होता है, जहां दूल्हे को घोड़ी की जगह गधे पर ज्वेलरी की जगह टमाटर से सजाया जाता है, यहां साल की लड़की का निकाह जबरदस्ती 70 साल के बंदे से करा दिया जाता है, तो कभी 20 साल की लड़की खुद अपनी मर्जी से 60 साल के बंदे से निकाह कर लेती है। तुम बताओ तुम्हारे लिए क्या लेता हूँ? और उस मुल्क का नाम है पाकिस्तान। भाई इस बंदे को देखकर पाकिस्तान के युवा लोंडे भी कह रहे होंगे, अरे इसमें से कौन से गुण है जो मेरे में नहीं है। वो देश है जहाँ पहली बीवी अपने पति के लिए दूसरी बीवी ढूंढ कर लाती है। मैं अपनी कजन के बगैर नहीं रह सकती थी, इसलिए मैं अपनी कजन के पास आ गया और मेरी कजन ने ना अपने हस्बैंड के साथ मेरी शादी कर दी। भैया के पास दो, तो हमारे पास एक पति के लिए तीसरी बीवी। जब इनसे दूसरी शादी होगी तो आपने फिर तीसरी की इजाजत दे दी इनको? हाँ जी बिल्कुल दे दी। पत्नी है यही नहीं रुकता, इस सब के बाद भी तीनों बीवियाँ मिलकर अपने पति के लिए चौथी बीवी की तलाश में निकल पड़ती है। दूसरी बीवी, दूसरी बीवी ने तीसरी बीवी और तीनों बीवियाँ मिलकर अभी चौथी बीवी भी इनके लिए तलाश कर रही है। भाई मारो, मुझे मारो। भाई ये तो कुछ भी नहीं, इस बंदे ने तो शादियों के नाम पर सारी हद ही पार कर दी। इस बंदे ने तो 4 छोड़ो 5 छोड़ो 7 7 शादियां कर रखी। कितने बचे थे? 21। मेरे भाई ये समझ नहीं आता, ये पाकिस्तान में अचानक से लड़कियों की संख्या में इजाफा हुआ है या लड़कों की संख्या में कमी, जो एक एक बंदे को 3 3 4 4 बीवियां रखनी पड़ रही हैं। भाई पाकिस्तान में शादियों की बकचोदी देखकर हालत ये हो गई है कि वहाँ के होटल, गेस्ट हाउस, मैरिज हॉल ने तक नए नए तरीके के ऑफर प्रदान करना तक शुरू कर दिया है। दूसरी शादी पर 50%, तीसरी शादी 70% और चौथी शादी का वलीमा बिल्कुल। भाई यही कारण है कि शादी वाले दिन अन्य देशों के मुकाबले पाकिस्तान के दूल्हे कुछ ज्यादा ही खुश नजर आते हैं, क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि बाप का, दादा का, भाई का, सबका शादी होगा पाकिस्तान में। भाई मैं तो सलाम ठोकता हूँ उन पाकिस्तानी लड़कियों को जो एक बंदे की 3 4 बीवियां होने के बावजूद भी अपने आप को उनके बीच एडजस्ट कर लेती है और उफ तक नहीं करती, और साथ ही 5वीं शादी पर भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहती है तीन गवाहों की मौजूदगी के बीच अपना 5वां निकाह कबूल है। मौलवी साहब अगे कभी तानू ना कीती है। मतलब भाई शादी के लिए इतना कॉन्फिडेंस लाती कहां से है? ये सारा शादी ना हुई टट्टी हो गई जब मन में आया। भाई पाकिस्तानी लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़का कौन है क्या है, बस इन्हें एक चीज से मतलब होता है और वो है शादी। बस बंदा पैसे वाला होना चाहिए, उसके बाद तो इन्हें कोई भी चलेगा, चाहे वो बुजुर्ग हो या जवान, बड़ा हो या छोटा, चाइनीज का भाई हो या रिश्ते में भाई। पाकिस्तान में ऐसे ही होता है। सुना भाई लोग, पाकिस्तान में ऐसा ही होता है, पोरकियों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिससे शादी होने जा रही वो रिश्ते में बुआ, मौसी, चाची, बहन, भतीजी कौन लगती है। पाकिस्तानी लोंडो का तो सिर्फ यही मानना है, बस लेने से मतलब है कोई भी दे। पाकिस्तानी दूल्हे उनका तो भाई शादी वाले दिन अलग ही स्वैग होता है, दूल्हे को शादी
शादी वाले दिन कुछ इस अंदाज में सजाया जाता है कि दूसरे तो छोड़ो, अगर दूल्हा अपने आप को आईने में देख ले तो खुद को ही पहचानने से इनकार कर दे। मतलब भाई बंदा दूल्हा कम रोज ज्यादा नजर आ रहा है। भाई फेस तो छोड़ो, दूल्हे को देखने के लिए सहरे में इतनी जगह भी नहीं दी जाती कि वो थोड़ा बहुत सामने देखकर आगे बढ़ सके। जितनी ज्यादा दूल्हे की लंबाई उतना ही बड़ा सहरा। दूल्हे की हालत ये हो जाती है कि वो खुद के सहारे नहीं दूसरों के भरोसे चलता है और फिर रिजल्ट तो बनाते इतने भरोसे वाले होते हैं कि अगर दूल्हे के सर पर सहरा भी ना हो तब भी वो दूल्हे का साथ कभी नहीं छोड़ते, बल्कि दूल्हे को उसकी मंजिल तक पहुंचाने में जी जान लगा देते हैं। अरे चाहे पिक्चर भी बाय बाय टाटा गुड बाय गया। मेरी तो भाई ये समझ नहीं आता कि ये पाकिस्तानी शादियों में लोग दूल्हे की शादी कराने आते हैं या दूल्हे का काम तमाम कराने। मतलब जहाँ चार लोगों की जरूरत नहीं होगी वहाँ 40 होंगे और जहाँ चार लोगों की जरूरत होगी वहाँ कोई नहीं होगा। अब इस भाई को ही देख लो, बारिश के पानी से भरी सड़कों के बीच खराब गाड़ी में खुद से ही धक्का लगा रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर घरवाले और रिश्तेदार कहाँ हैं सारे। तो भाई लोग इसका सीधा जवाब है, पाकिस्तानी शादियों में अगर सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है तो वो दी जाती है खाने को, ना कि दूल्हा दुल्हन को। जहाँ फ्री का खाना वहाँ लोग, पाकिस्तानी लोग खाने के लिए इस कदर पागल रहते हैं कि रिश्तेदार तो छोड़ो, उनके खुद के घर वाले तक खाने के आगे चले जाते हैं। रोटी घुल गई अरे भाई खाना तो बहुत बड़ी चीज हो गई, इनके आगे मिठाई से भरी प्लेट भी रख दो तब भी ये उस प्लेट की ये हालत कर देते हैं। ये तो भाई सिर्फ पाकिस्तानी शादी है, असली खेल तो तब शुरू होता है जब बारातियों के लिए खाने की शुरुआत होती है। पाकिस्तानी आवाम खाने पर ऐसे टूट कर पड़ती है मानो शादी में खाना खाने के लिए नहीं जंग लड़ने आए हो। नो 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 कहाँ से भाई, पाकिस्तानी शादियों में खाना खाने के लिए सिर्फ इनविटेशन की ही नहीं, इनविटेशन के साथ साथ जरूरत पड़ती है फूर्ती हौसले और जिसने जितनी ज्यादा फूर्ती उसको उतना ज्यादा खाना मिल जाता है। बाकी ढीला ढाला इंसान खाने तक तो दूर, भीड़ की वजह से खाने के स्टॉल के पास तक नहीं पहुँच पाता, उससे पहले ही खाना खत्म हो जाता है। लोग शादियों में खाना खाने के लिए इतने बेसब्री से इंतजार करते हैं जैसे पैदा होने के दिन से पहली बार खाना खाने जा रहे हैं। ए खुल गए रोटी। भुक्कड़ लोगों की वजह से पाकिस्तान में हालत ये हो गई है। शादी के दौरान खाने के स्टॉल के पास एक बंदा स्पेशली इसलिए लगाया जाता है ताकि बारातियों से ये कह सके, ये सब क्या देखना पड़ा, अच्छा है मैं अंधा। हेलो, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ गाइस, तो जैसा आपने भाई देखा कि शादी एक निकाह ऐसा भी पाकिस्तान में, क्योंकि भाई आपने जो देखा स्टार्ट हुआ है ना वो भाई कमाल का स्टार्ट कमाल का अब्दुल्ला बैठा हुआ था और साथ ही ऐसे हो जाते हैं पाकिस्तान में। और कभी भाई पानी में धक्का लगाना, पानी में धक्का लगाना, यार वो वाकया ना बता रहे आप, मैं क्या जो आपके जहन में आ रहा है अपने गांव के बंदे में वो था जो भाई मतलब कि एक बारात नहीं गई थी तो आगे से वो गाड़ी छोड़ कर चले गए। यार वो बताना, वो जो इधर हमारे गांव, यार सीरियसली मुझे वो याद नहीं आनी तो बता देना यार। वो जो हमारे दूल्हा साहब को लग गया था पेचस, वो पेट खराब हो गया था।
यार वो गाँव का है, कोई वीडियो ही ना देख ले। नहीं कुछ भी होता हम समझा देंगे, आप बता देंगे। आपने बता तो दिया, उसका पेट खराब हो गया बताना भाई। और साथ वो जो एक होते है ना, एक बारात जाती है, वो बेचारा जो बारात के साथ गया था ना, वो उसके कपड़े उसने पहन लिए और बोला तू भाई पीछे जा। वो दूल्हे राजा उसके कपड़े उसने पहने, वो आगे चला गया और जो बेचारा इसके जैसा गरीब था वो पीछे आ गया। होता है ना बरात में कमजोर सा बंदा जिसको एक लानत लेने के लिए रखा होता है, तो इस जैसा बंदा था भाई, वो लानती था एक उस बरात में। उन्होंने बोला कि भाई तू जा, ये जो ये पेट खराब हुए कपड़े तू पहन और चला नार में ना कर कपड़ों समेत। यार वो दूल्हा भी डर में आया, डर पर ना के उसने उसके कपड़े पहने और फिर वो आगे गया। यार ऐसे ही होता है, देखो ना खाने पर आए ना यकीन करे तो टूट पड़ते हैं ऐसे, क्योंकि हमारे इधर ना काफी एक मतलब के सालों पर साल ये काम चलता रहा है। अभी कुछ ट्रेंड चेंज हुआ है, वो डेवलपर ही भाई दे देते हैं। मैं बताता हूँ आपको, असल में ना उसको भी इधर लड़कों ने लोगों ने बहुत समझाया था। उसका सीन ये था कि उसने ना यहाँ से खाना खा के उतर जाना था, ठीक है, क्योंकि वो नजदीक थी, गाड़ी पे जाना गाड़ी पे ही था, लेकिन ये एक डेढ़ घंटे का सफर था। तो उसने लोगों ने जो है ना वो खा लिया, उसको कहते मेरे आप ना खाना, क्योंकि गाड़ी में बाद में बैठ जाना, ऊपर गर्मी है तो बस या थोड़ा सीन बन जाना है, तो आप मेहरबानी करें। उसने कहा कुछ नहीं होता, मैं गांव का रहने वाला हूँ, तो ये तो बोली क्यों नहीं है कि जो उसने किया ना अभी भी उसके बच्चे बेचारे शर्माते। लेकिन यार जाओ भाई, और दूसरी तरफ आ जाए भाई, तीन शादियों वाला भाई काफी दिन पहले जो है ना बड़ा ट्रेंड चला था भाई, ये कोई खुद की हुई फिर अपनी कजन को ले आया इस तरह करके, ये बड़े सीन बनते हैं ये फिल्म के। तो ले यार ये जो बच्चे पैदा करते हैं, 21 बच्चे देख यार, वो झोपड़ी वाले की नहीं आपने वीडियो देखी थी, उसके 15 के 16 थे और बोलता था कि मुझे गांव वाले खुद ही दे जाते हैं आकर शाम को, किधर किधर भी एक ढूंढने की भी जरूरत नहीं होती है, आपके बच्चे और ये आपके बच्चे। लेकिन काफी मजेदार वीडियो, लेकिन खाने वाला सीन जो है ना वो ऐसे ही बहुत डेंजर है, ऐसे ही भाई जंग जैसे लड़ जाते हैं। थोड़ा ट्रेंड चेंज है, टेबल पर बिठा कर दे देते हैं तो थोड़ा मुश्किल। जो फौजी होता है ना जंग में, उसके पास बड़ा हथियार आ जाए तो वो बोलता है कि भाई आप कुछ सांस ले लूंगा सुकून से। इधर भाई जिसके पास एक वो बड़ा सारा चमचा आ जाता है, वो अपने आप को भाई यही समझता है कि मैं मान इस मतलब के वलीमा वगैरह बोलते हैं, तो वो चमचा भाई उसका एक होता है हथियार सबसे बड़ा। क्योंकि जब जैसे वहां पे जाके पंडाल में बैठते हैं ना, तो सबसे पहले हर किसी को कोशिश होती है कि मैं अपना चमचा जो है ना वो पकड़ के साइड पे कहीं रख लूं, तो वो इस तरह करके फिर वो जैसे ही उधर से आवाज आती है, तो हमने तो भाई देखे लोग ऐसे भी करके लेके जा रहे हैं। सही बात है, ऐसे भी डाल हाथ से ऐसे भाई। चलो खैर अब छोड़ो, लेकिन वीडियो भी काफी अच्छी थी, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। भाई इस वीडियो पर 300 लाइक जरूर कर देना जरूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।